हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन। फिर से क्लास ट्वेल्थ में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, 6.3 7.3 चल रही थी और क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने कंप्लीट करा दिए। जिन बच्चों ने इससे पहले की दो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पहले उसको देख लें, फिर जाके क्वेश्चन नंबर 13 से देखें बच्चों यहाँ पे। तो वो जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन में कॉस x माइनस का कॉस अल्फा dx, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन बच्चों यहां पे। तो कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन में कॉस x माइनस का कॉस अल्फा, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहले तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस 2x का फॉर्मूला जो कि कॉस में, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कॉस में है तो हम लोग ट्राई करेंगे पूरा क्वेश्चन कॉस में ही रहे। फिर तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे बच्चों। इसकी जगह बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर cos 2 अल्फा लिखा है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस x की जगह यहां पर अल्फा आ जाएगा तो क्या लगेगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अच्छा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बीच में माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज यहां पे किया है। नीचे वैसे ही लिखो cos x माइनस का cos अल्फा और ये कितना हो जाएगा dx। इंटीग्रेट करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, इंटीग्रेशन लगाएंगे बच्चों तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ठीक है। और नीचे क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे तो ये कट कर दे रहे हैं, माइनस 1 और प्लस 1 कट हो जा रहे हैं। अब जो बचा है वो लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या है, कॉस x माइनस का कॉस अल्फा। समझ में आ गया सब बच्चों को। इसके बाद क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो 2 में आप बाहर लिख ले रहे और बचे क्या बच्चों यहां पर बताइए, कॉस स्क्वायर x माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस x माइनस का कॉस अल्फा dx। इसके बाद ध्यान से देखिए, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जानते हैं ना क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब कि 2 लिखेंगे, ए प्लस बी मतलब कि कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा और नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस क्या कॉस अल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा ठीक है। नीचे वही लिखा है, ऊपर देखिए ध्यान देखिए, ए क्या है कॉस एक्स, बी क्या है कॉस अल्फा, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए ध्यान से ये पूरा क्या जाएगा, इससे कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स प्लस का कॉस अल्फा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए सब बच्चे ध्यान से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 2 बाहर है कॉस एक्स और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन करना है बच्चों। ध्यान से देखिए, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, देखिए क्या गलती करते हैं। कॉस एक्स का तो इंटीग्रेशन कर लेंगे बच्चे, क्या होता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे सब लोग को मालूम होगा साइन एक्स, लेकिन कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन बच्चे क्या करते हैं साइन अल्फा, गलत है। कॉस अल्फा देखिए हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का ही समाकलन यहाँ होगा। जैसे यहाँ कॉस एक्स लिखा था तो एक्स का मतलब कॉस का हुआ क्या साइन एक्स हुआ, लेकिन ये कॉस अल्फा लिखा, यहाँ पर एक्स नहीं लिखा हुआ है तो फिर कॉस अल्फा कैसा माना जाएगा, कॉन्स्टेंट की तरह माना जाएगा। तो कॉस अल्फा को हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं करना है, कॉस अल्फा देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे कॉस अल्फा इस टाइप से लिखा है तो कॉस अल्फा को बाहर लिख लिया जाएगा, कॉस अल्फा बाहर कर लेंगे कॉन्स्टेंट है और यहां पे क्या बचेगा 1 dx और 1 का फिर समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो cos अल्फा into x आ जाएगा। आ गया सभी को आ गया बच्चों। देखिए cos अल्फा जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये ध्यान देना ये x में है तो ये भी अगर x में होना चाहिए, अगर नहीं x में तो कांस्टेंट की तरफ से बाहर कर लीजिए बच्चों यहां पे। तो ठीक है इसको मैंने बाहर कर लिया, जैसे cos x लिखा है log में लिखा है, log में अगर x नहीं लिखा मान लीजिए कुछ और लिखा है log 2 log 3 लिखा तो कांस्टेंट माना जाएगा बच्चों यहां पे
ठीक है, e की पावर में लिखा, e की पावर x में लिखा, e की पावर 2 लिखा, 3 लिखा, तो कांस्टेंट है वो बच्चों यहाँ पे, तो cos अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए cos अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, cos अल्फा बाहर कर लिया जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x और प्लस c, चाहे तो x आप यहाँ पे ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि अगर साथ में लिखा है तो आप चाहे तो 2 या अपॉन नहीं लिखा बच्चों, 2 ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स माइनस का एक्स आगे लिखे और कॉस अल्फा पीछे और प्लस का सी, ठीक है, ये इसका आ गया आंसर बच्चों, सब बच्चों को आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर कॉस 2x का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर और सब में, यहाँ पर यहाँ दोनों में लगाया बच्चों, कॉस में ही मैंने किया है, क्योंकि साइन में भी कर सकते लेकिन साइन में करेंगे तो फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसीलिए मैंने देखा कि कॉस में पूरा क्वेश्चन तो कॉस में ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिससे वो आसानी से क्या हो जाए, वो चीज़ कट जाए बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सब बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, 14 में लिखा है बच्चों cos x - sin x अपॉन में 1 + sin 2x, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, cos x + sin x अपॉन में, सॉरी cos x - sin x ऊपर अपॉन में 1 + sin 2x, देखिए बच्चों ध्यान से जब ये क्वेश्चन आया तो किस प्रकार से इसको करना है, यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये cos x माइनस क्या लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है और नीचे 1 प्लस साइन 2x दे रखा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए, क्योंकि ये चीज हम लोग को लिखी है तो फॉर्मूला सिर्फ यहां पर अप्लाई हो रहा है और कहीं फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन x इंटू cos x होता है, लेकिन उससे भी कुछ फायदा मिल नहीं रहा, तो बगल में क्या लिखा हुआ है 1, तो मैंने सोचा 1 को क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स, इससे ये फायदा मिलेगा कि इसको हम साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर लिखेंगे और ये क्या है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, तो इससे कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, समझिए पहले मैं कैसे कर मतलब क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉज एक्स की जगह कॉज एक्स माइनस साइन एक्स की जगह साइन एक्स, 1 की जगह मैंने क्या लिखा बच्चों बताइए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स और प्लस साइन 2x की जगह क्या लिखा बच्चों मैंने बताइए 2 sin x into cos x और ये dx लिखा है, इतना आ रहा ना समझ में। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइंड में क्या चल रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने से फायदा क्या है, फायदा क्या है अगर देखिए बच्चों आगे तो फायदा बता रहे क्या इसमें फायदा मिलेगा हम लोग को, cos x माइनस का sin x अपॉन में हो जाएगा sin x और प्लस cos x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं बच्चों जब तुम लोग इसको मानोगे लेट करोगे तो ये चीज़ बन जाएगी और फिर हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, मानना मतलब क्या होता है, लेट लेट कर लेते हैं बच्चों, क्या लेट यहाँ पे लेट कर लिया किसको, साइन एक्स प्लस का cos x को क्या मान लिया उन्होंने t, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x और cos का क्या होता है माइनस का sin x का होल dx इज इक्वल टू dt, तो देखिए ध्यान से ये चीज इसी मैच कर रही ना और ये dx, तो इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, राइट दे बच्चों, तो ऊपर हम लोग यहां पर 1 लिख दे रहे हैं और ये नीचे क्या आ जाएगा t स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dt, आप t स्क्वायर ऊपर कर लीजिए तो t की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2, इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर कितना आ जाएगा बताइए बच्चों माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1, यही तो होता है बच्चों फॉर्मूला यहाँ पर, मतलब t की पावर x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 और बट्टे में n प्लस 1, वही किया बच्चे यहाँ पे, तो कितना बचेगा t की पावर माइनस 1 माइनस 2 से प्लस 1 तो माइनस 1 नीचे भी माइनस 1 प्लस, तो कहीं ना कहीं इसको माइनस 1 अपॉन क्या ले सकते हैं टी ले सकते हैं बच्चों, माइनस तो आगे आ जाएगा और टी की पावर माइनस 1 तो प्लस करने के लिए इसको अपॉन में ले आए बच्चों, अच्छा बच्चों ये नहीं प्लस होगा ये पावर प्लस होगी बच्चों जब नीचे लाएंगे और ये माइनस आगे ले जाएगा, एक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन टी क्या है बच्चों बताइए साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स प्लस सी, समझ में आ गया सब बच्चों को, बताइए सिंपल था, t की जगह मैंने वैल्यू पुट की है, जो वैल्यू थी वो t की जगह यहाँ पर पुट कर दिए और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, सब बच्चों को आ गया ना समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, समझ सोच के करना है बच्चों कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और क्यों होगा, वो आपको पहले से थिंकिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करनी जरूरी है बच्चों ठीक है, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा 15 नंबर देखते हैं,
क्वेश्चन में 15 में लिखा है कि अब जो 10³ 2x, 10³ 2x इंटू sec 2x dx। अभी ध्यान से देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है ना, इसमें बहुत सारे बच्चों फंस जाएंगे, लेकिन अगर ध्यान से करोगे तो अच्छा लगेगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा बच्चों। तो इसमें करेंगे कैसे देखिए बच्चों, अगर हम 10 को लेट भी करते तो 10 का जो होता है वो sec² x होता, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है sec² x लिखा। तो दिक्कत है कि यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो हम लोग इसको लेट कर लेते, ये हट जाता और ये t³ बन जाता। बट अब यहाँ पर क्यूब लगा है तो यहाँ पे तो क्यूब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो क्वेश्चन इजली हो जाता। तो जब कभी ऐसी वो जो चीज़ आ जाए ना, तो आप लोग इसको ब्रेक कर लेना बच्चों। जैसे मैंने क्यूब देखा तो क्यूब को ब्रेक कर लिया, किसमें एक 10² 2x लिख लिया और एक हमने 10² 2x यहाँ लिख लिया, क्यूब था बच्चों और sec² 2x ये लिखा। पहले समझिए इस चीज़ को मैंने क्या किया, यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब में से स्क्वायर को ये लिखा और एक मैंने यहाँ पर लिखा है ना, एक मतलब दो, तीन पावर से दो ये लिखा और एक ये लिखा। इसके बाद मैंने 10² x को फॉर्मूला लगा दिया जो कि sec में होता है। इससे भी फायदा क्या मिलेगा कि इससे क्या होता है, जो ये चीज़ है वो दो बार आ जाएगी और उससे आसानी से क्या होता है, इंटीग्रेट हो जाता है बच्चों। तो देखिए पहले यहाँ पे 10² 2x लिखा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे sec² 2x - 1, और ये क्या लिखा है बच्चों 10² 2x इंटू sec² 2x dx। ओके बच्चों समझ आ गया। अब हम इसका ना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और वन में भी करेंगे, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई करिए ध्यान से इसे सोच समझ के। इसमें इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec² 2x इंटू 10² 2x इंटू sec² 2x, ठीक है, इसका इंटू इसमें किया तो पूरा लिखा है, चाहे तो sec³ भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा जानबूझ के हमने। और जब वन में इंटू करोगे बच्चों तो वही आ जाएगा, इंटू करने पर 10² 2x इंटू sec² 2x का होल dx, ठीक है। पहले इसका इंटू हम लोग इसमें करेंगे तो ये लिखा है, sec³ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं sec³ नहीं लिखा जानबूझ के। और इसका इंटू वन में करोगे तो फिर वही तो आएगा बच्चों, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, इसको अलग इंटीग्रेशन कर लो, इसको अलग इंटीग्रेट कर लो बच्चों। तो ध्यान देना sec² 2x इंटू 10² 2x इंटू sec² 2x और ये dx माइनस, आप फिर से इंटीग्रेशन लाएंगे 10² 2x इंटू sec² 2x और ये dx, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग कहीं ना कहीं sec को अगर मानते हैं sec² 2x को, तो कहीं ना कहीं ये sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec x इंटू 10x, और ये लिखा भी है यहाँ पर, तो हम लोग इसको यहाँ पर मान ले रहे हैं। और इसका इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, sec x इंटू 10x का फॉर्मूला जानते होते हैं, जानते हैं बच्चों sec x इंटू 10x का इंटीग्रेट क्या होता है, sec x होता है बच्चों। हाँ ये कहेंगे आप ये 2x लिखा है, तो मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी चीज़ अगर इंटू के फॉर्म कॉफिशियंट के फॉर्म में लिखा है, मतलब x के फॉर्म x के इंटू में लिखा है, तो वो चीज़ कहाँ आएगी, हमेशा अपॉन में आएगी बच्चों। तो ये जो 2 है वो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं किसको, लेट मतलब माना होता है बच्चों, किसको माना बच्चों, sec² 2x को मान लिया। जैसे sec को मानोगे तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec का होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² 2x इंटू 10² 2x। बट 2x का दोबारा भी करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 2 dx आएगा ना बच्चों, इक्वल टू में dt। तो देखिए यहाँ पे 10² 2x लिखा है, sec² 2x लिखा है, dx लिखा है, बट 2 नहीं लिखा है। तो 2 आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 से मतलब समझिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये चीज़ पूरी क्या बन जाएगी बच्चों बताइए, ये चीज़ पूरी क्या बन जाएगी, ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, dt बन जाएगी, बन जाएगी ना। ये देखिए ध्यान से सेम टू सेम लिखा है, तो 1/2 बाहर रहेगा, इसकी जगह मैंने क्या रखा है t² और ये क्या जाएगा dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है ना, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x, x मतलब 2x और अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, राइट है, क्योंकि कॉफिशियंट यहाँ पे x का क्या है 2 है, तो वो 2 नीचे आता है, जो भी गुणांक होता है x का वो हमेशा नीचे आता है बच्चों यहाँ पे, ओके। अब t² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, t² का इंटीग्रेशन होता है, अभी बताया आपको t⁻ⁿ, मतलब 2+1 तो मतलब 3 लिख दैट, और अपॉन में भी क्या आएगा 3 आएगा, और ये sec² 2x अपॉन 2 प्लस सी लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेट पूरा खत्म हो गया, तो सी लिखिए यहाँ पे। अब ये 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 3
6, और t की जगह मान रखो, ये t की जगह मान क्या है sec, तो क्या हो जाएगा sec क्यूब और ये 2x माइनस sec 2x अपॉन में 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, चाहिए तो आप एलसीएम ले सकते हैं या कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसमें आप बच्चों कॉमन लेने के लिए आप लोग चाहे तो पहले एलसीएम ले, 6 एलसीएम लगा 6 बन जा 6, तो यहाँ पे sec क्यूब 2x और 2 3 जा तो मतलब 3 sec 2x प्लस। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया बच्चों। सभी लोग को आशा करते समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा। क्लास आपकी बड़ी है, ट्वेल्थ क्लास है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, है ना। आप लोग को जब तक ये रिवीजन नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं, तब तक ये नहीं आएंगे, तब तक आप लोग वो सोच नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ इन सब क्वेश्चनों को लगाते रहिए, जितना आप लोग अधिक लगाएंगे ना तो उतना ही आप लोग को आएगा। ठीक है, तो इनको एक बार लगाइए और फिर अपने मन से ट्राई करिए लगाने का बच्चों। और इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन आपको मिले तो उस टाइप में आप लोग खुद लगाने का ट्राई करिए, तो आप लोग को अच्छे से आ जाएंगे बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, इसका 16, 10 की पावर 4x, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 लिखा क्या है, 16 लिखा है 10 की पावर 4x, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 की पावर 4x कैसे करेंगे, सब बच्चे ध्यान से देखिए, 10 की पावर 4x का कैसे हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो सब बच्चे ध्यान से देखें, 10 की पावर 4 को ब्रेक कर लेंगे पहले दो हिस्सों में, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे 10 square x और दूसरा भी क्या होगा बच्चों, 10 square x, क्योंकि इस बार पावर कितनी है, 4 पावर है, तो इसीलिए 2 पावर इधर 2 पावर इधर जाएगी। और फिर एक 10 square x को हम लोग को चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे 10 square को चेंज करके, बताइए बच्चों, sec square x माइनस 1 इंटू 10 square x dx। राइट है बच्चों, सभी लोग को आ रहा समझ में। अब इसका इसमें इंटू कर लीजिए बच्चों, इंटू करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, बताइए, sec square x इंटू 10 square x माइनस, यहाँ पर इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 10 square x का होल dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग, इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sec square x इंटू 10 square x dx माइनस 10 square x और ये dx। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से, अगर हम sec को लेट करेंगे तो sec x इंटू 10x होना चाहिए, बट नहीं है, 10x को लेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन होता है sec square x, तो 10x को लेट करने पर sec square यहाँ पे बन रहा है, तो इसको लेट नहीं करेंगे इस बार, इसको लेट करेंगे 10x को, क्योंकि ये चीज़ बन रही है बच्चों, है ना। अगर यहाँ sec x इंटू 10x होता तो फिर लेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर इसको लेट करने पर ये चीज़ बन जा रही है, 10x को लेट करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेट करेंगे बच्चों, बताइए, 10x को लेट कर लेंगे कितना, t, तो 10x क्या होता है बताइए बच्चों, sec square x dx इज इक्वल टू dt। तो sec square x और ये dx, ये दोनों मिलकर बच्चों क्या बन जाएंगे, dt बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन t में आ गए ना, तो ये तो dt बन जाएगा, लेकिन इसकी जगह आप लोगों ने क्या लेट कर लिया, t, तो ये क्या बन जाएगा, t square और ये dt। अच्छा, यहाँ की बात करें तो 10 square x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो हम लोग उसको चेंज कर लेंगे किसमें, sec square x माइनस 1, फिर से लिख लेंगे कि sec square x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, इसीलिए sec square में चेंज किया। ये हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि कभी भी 10 square आएगा तो आप लोग को sec square x माइनस 1 लिखना ही लिखना है, हमेशा लिखना है, चाहे 10 square 2x लिखाओ, चाहे 10 square 3x लिखाओ, चाहे 10 square 4x लिखाओ, आप लोग को sec square, मतलब अगर मान लीजिए 2x है तो यहाँ 2x आएगा, 3x है तो यहाँ पर 3x आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोग करना पड़ेगा। तो t square का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा t³/3 और sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना बच्चों, 10x हो जाएगा, और माइनस माइनस जब ये करेंगे बच्चों, ओपन करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा ब्रैकेट लगा लीजिए बेटे, चाहे ब्रैकेट लगा लीजिए तो फिर साइन नहीं चेंज होगा, तब ये सिंपल रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x प्लस c, t की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे 10³x अपॉन में 3, ये माइनस का 10x हो गया और ये प्लस का x प्लस c। अच्छा, एक बात गौर करिए, यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे ये भैया t में कर रहे हैं, यहाँ पर x में कर रहे हैं, तो चाहिए तो आप लोग इसको i1 और i2 मान के अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों एक ही में कर दिया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को इसको i1 और i2 मान के अलग से सॉल्व करना चाहिए, लेकिन हमने आप लोग को समझाने के लिए एक ही में कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो i1 इसको अलग सॉल्व करिए, फिर इसको अलग सॉल्व करिए, फिर दोनों के आंसरों को मिलाकर लिख दीजिए बच्चों।
ठीक है, हमने दोनों एक साथ यहाँ पर सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया सब बच्चों को? ओके कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? इस चीज़ को समझ में आ गया आप लोग को कि किस प्रकार से इंटीग्रेट करना है? आ गया ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है साइन क्यूब एक्स प्लस का कॉस क्यूब एक्स अपॉन में, बच्चों लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों को किस प्रकार से आप लोग करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों में बच्चों आप लोग को देखिए जहाँ से ऊपर दो पार्ट है नीचे एक पार्ट है ना, एक ही है क्योंकि ये इंटू के फॉर्म में लिखा है तो इसको एक ही पार्ट कहेंगे, ऊपर कहेंगे दो पार्ट है बच्चों। तो जब कभी आप लोग को लगे कि ऊपर दो पार्ट है नीचे सिंगल पार्ट है तो आप लोग एक माइंड में रखें कि अलग अलग डिवाइड तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग डिवाइड करने से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कटेंगी बच्चों यहाँ पे, तो वही यहाँ पर आपको करना है, अलग अलग डिवाइड कर देना है। साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल डे। सभी बच्चों को आगे बताइए क्या मैंने क्या, सिंपली देखिए यहाँ पर इसको लिखा और ये पूरा इधर किया, इसको लिखा फिर ये, क्या ऐसे कर सकते हैं? देखिए बच्चों अगर एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा फिर वही बन जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अलग अलग डिवाइड करना। साइन यहाँ पर दो कट जाएंगे, एक साइन ऊपर बचेगा, देखिए दो हैं तो ये दो कट जाएंगे, तो एक साइन बचेगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कॉस दो कट जाएंगे, एक कॉस बचेगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों सभी लोग को आ गया बताइए बच्चों, ठीक है साइन तीन थे दो कट गए यहाँ पे, तो यहाँ पर एक बचेगा लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ कॉस स्क्वायर बचे ना तो कट चुका है। अब समझिए बच्चों यहाँ पर ये साइन एक्स लिखा है और कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग दो बार लिख रहे हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस, क्योंकि फॉर्मूला बन जाए, यही चीज यहाँ पर भी करेंगे, साइन एक्स को दो बार लिखेंगे। ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा देखिए बच्चों समझिए, कहीं ना कहीं साइन अपॉन कॉस क्या होता मालूम होगा आप लोग को, टेन एक्स होता है, और ये वन अपॉन कॉस समझिए वन लिखा है, मान लीजिए सत्य वन इंटू मान लीजिए वन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों सेक एक्स होता है, ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स, और इंटू में वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स, ठीक है, का होल डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग को आना चाहिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, अभी बताया थोड़ी देर पहले आप लोग को, और कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, इसीलिए बीच में लगाया माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, और प्लस सी, तो ये बच्चों आ गया इसका आंसर, सही बच्चों को आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 17 था बच्चों, समझ में आ गया सब लोग को? बताइए बच्चों अगर आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के किस प्रकार से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कमी लग रही है तो आप वो बता सकते हैं, उसको हम सही करने का प्रयास कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको लगा सकते हैं। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉस टू एक्स फॉर्मूला क्या होता है जो कि साइन के फॉर्म में होता है, क्योंकि साइन फॉर्मूला यहाँ पर लग पाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या लिखा है बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, तो बताइए बच्चों ये चीज़ यहाँ से कट हो जाएगी ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा वन अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉज स्क्वायर ऊपर बच्चों भेज देंगे तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग बता चुका हूँ मैं क्या होता है बच्चों टेन एक्स प्लस सी। सही बच्चों को आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बस यहाँ फॉर्मूला लगाया जिससे कि ये साइन स्क्वायर था तो साइन कट जाएगा, ये माइनस में आएगा ये प्लस में, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक, सेक स्क्वायर क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। सही बच्चों को आ गया क्वेश्चन नंबर बच्चों ये वाला, ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 तक ही रखते हैं बच्चों, ठीक है इसके आगे क्वेश्चन में कल बता दूंगा बच्चों, तो लगाते रहिए क्वेश्चन बच्चों जितने भी हो सके तैयारी करते रहिए सब बच्चों, क्योंकि अब तो इस समय तो अक्टूबर चल रहा है बच्चों, आज तारीख है 13 बच्चों, तो काफ़ी कम समय बचा यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड्स के लिए, डेट्स अभी आ जाएगी स्कीम
जनवरी तक आ जाएगी, तो बहुत कम समय बचा, जितना हो सके अधिक से अधिक मैथ लगाइए। और जो भी आप लोग को चैप्टर पढ़ना हो बच्चों, इंटर में क्लास ट्वेल्थ में कोई भी चैप्टर आप लोग को नहीं आता या कमज़ोर या नहीं आता, तो आप बता दीजिए, मैं उसको भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहीं रखते हैं बच्चों, इसके आगे क्वेश्चन जो कल लगवाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके।